हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का चौथा वीडियो है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटीरियर आबदार्थ। हम लोगों ने ओरिजिन आबदार्थ पढ़ा, एज आबदार्थ, जोलॉजिकल हिस्ट्री आबदार्थ। अब हम लोग जानते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है। बाहर जो चीज़ें समझने को थी वो मोटा मोटी हम लोग समझ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इंटीरियर आबदार्थ है। अब सवाल ये आता है कि पृथ्वी के अंदर हम लोग जाएंगे कैसे, जब हमें पता जा ही नहीं सकते हैं, तो उनके अंदर क्या है पता कैसे लगाएंगे। क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या है कि बहुत ज़्यादा 4 किलोमीटर तक खाने खोदी गई जहाँ पे हम लोग वास्तविक मतलब प्रत्यक्ष रूप से जा पाएँ, या इसके अलावा 8-10 किलोमीटर के जो बोर्स होते हैं जिनमें कई बार पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इनडायरेक्टली वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंदर पृथ्वी के क्या है उसको पता लगा पाना आसान काम नहीं है। तो जो हम लोगों की जियोलॉजी है, जो उनके जो भूगर्भ शास्त्री रहे हैं, उन्होंने जो शोध किए हैं, प्रेक्षण किए हैं, उनके आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जानने के इन्फॉर्मेशन सोर्सेस क्या हैं। भाई पृथ्वी के अंदर जानना है तो जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं, जो डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं तो नीचे जाने के जो सोर्सेज हैं, मतलब इनडायरेक्टली जो सोर्सेज हैं उनके लिए वो कौन कौन से हैं। तो वो असल में 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। नॉर्मली आर्टिफिशियल, जिन्हें आप प्राकृतिक सोर्स भी बोलते हैं। दूसरा एविडेंसेस फ्रॉम थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड थ्योरीज हैं जिनको हम लोग पहले वीडियो में पढ़ा है, जिनको सारी ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड हाइपोथेसिस, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और जो भी इस वीडियो में स्लाइड्स प्रस्तुत की गई उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो एविडेंस है ओरिजिन ऑफ द अर्थ से लेके, तो उनके आधार पर हम लोग कल्पना करते हैं कि हाँ पृथ्वी कुछ ऐसी इस फॉर्म में रही है नीचे अंदर। तीसरा है नेचुरल सोर्स, जो प्राकृतिक सोर्स हैं जिनके द्वारा हम लोग पता लगाते हैं। अगर हम लोग आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करें तो 3 टाइप के आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। 3 टाइप के आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। और अगर नेचुरल सोर्सेज की बात की जाए तो वॉल्केनिक एरप्शन जो होता है, ज्वालामुखी उद्गार, और जो सेस्मोलॉजी होता है वो भूकंप विज्ञान, वो एक सोर्स है पृथ्वी के अंदर जानने का। क्योंकि भूकंप पृथ्वी की अंदर हलचलों के कारण ही आते हैं। और जो बीच वाला है थ्योरीज एविडेंस, वो हम लोग अभी आप बाद में बात करते हैं इस बारे में। तो अब आता है आर्टिफिशियल सोर्स डेंसिटी के बारे में, कि डेंसिटी से कैसे पता लगाते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है। नॉर्मली क्या है कि जो पृथ्वी की क्रस्ट है जिस पे हम लोग खड़े हैं, जिसे परपटी हिंदी में बोलते हैं, उसका जो डेंसिटी है वो करीब 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब पानी के भार से करीब 3 गुना ज़्यादा भारी, पानी से, जल से। तो ये डेंसिटी है पृथ्वी की ऊपरी संरचना की। और अलग अलग प्रेक्षणों से पता चला है कि पृथ्वी का जो केंद्र है उसकी जो डेंसिटी है करीब करीब 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब कहने का ये है कि पृथ्वी के जैसे अंदर जाते हैं डेंसिटी बढ़ती चली जाती है चट्टानों की। अब डेंसिटी जब बढ़ती चली जा रही है तो जाहिर सी बात है प्रेशर की वजह से बढ़ रही होगी। ऐसा माना जाता रहा है पहले कि जो पृथ्वी की जो डेंसिटी है, नीचे चट्टाने हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन जो उनकी डेंसिटी जो बढ़ रही है उनके प्रेशर की वजह से बढ़ रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम लोग किसी भी चीज़ में प्रेशर डालेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इस बात को समझ पाने के लिए। तो अब क्या है कि पृथ्वी माना जाता था पहले कि चट्टाने एक जैसी हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी लगातार बढ़ रही है क्योंकि प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। फिर ये आकलन किया गया, फिर ये अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, इससे पता चला कि कोई भी चट्टान हो एक सीमा तक तो उसकी डेंसिटी बढ़ सकती है प्रेशर डालने पर, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब कितना भी आप प्रेशर डालो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। तो ये कंक्लूज़न फिर निकाला गया कि जो पृथ्वी के अंदर की चट्टाने हैं उनकी जो अलग अलग डेंसिटी है, मतलब क्रस्ट की जो 3 ग्राम है और जो कोर है उसकी करीब 11 ग्राम है, तो ये जो डिफरेंस है वो ना कि प्रेशर की जो डिफरेंस है, ये असल में डिफरेंस का मेन कारण है उनकी चट्टानों की जो संरचना है उनमें डिफरेंस है। तो डेंसिटी से हम लोग ये जान पाए कि पृथ्वी की जो अंदर की संरचना है उनमें अलग अलग चट्टानों का योगदान है, ना कि एक ही प्रकार की चट्टानों का योगदान है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रेशर और डेंसिटी के माध्यम से कुछ ना कुछ पृथ्वी के अंदर जानने की कोशिश की, और जाहिर सी बात है हम सही भी हैं। अब आता है टेम्परेचर, तापमान। अब तापमान के द्वारा कैसे पता लगाएंगे पृथ्वी के अंदर की चट्टानें कैसी हैं। तो अगर हम लोग तापमान की बात करें तो जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे, तापमान बढ़ता चला जाएगा। नॉर्मली लोग पानी के लिए जो बोर करते हैं तो उनमें क्या होता है कि 100 मीटर की जो गहराई, जो उनका टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, ताप गिरने की जो दर होती है, वो
वो हर 100 मीटर पे करीब 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ऐसा ऐसा होता है नॉर्मली क्या ऊपरी क्रस्ट पे। तो अगर हम लोग ये मान लें कि पृथ्वी जो ताप गिरने की जो दर है वो एक समान है, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट एक समान है पृथ्वी का, तो केंद्र, चूंकि केंद्र 6400 किलोमीटर की पृथ्वी है, करीब त्रिज्या पृथ्वी की 6371 किलोमीटर की, तो अगर हर 100 मीटर पे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो केंद्र पर जाते जाते तो सूरज से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है पृथ्वी का वो इस एक जैसा नहीं है। स्टार्ट जो ऊपरी क्रस्ट होती है वहाँ पे तो तापमान तेज़ी से गिरता है, लेकिन जैसे जैसे ताप जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं तापमान गिरने की जो दर है, बढ़ने की जो दर है वो कम हो जाती है। मतलब टेम्परेचर तो बढ़ता चला जाता है लेकिन टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है तापमान गिरने का जो दर है वो लगातार गिरती चली जाती है। इसलिए एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान प्रवणता या टेम्परेचर ग्रेडियंट में क्या परिवर्तन आता है, तो आंसर होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो गिरेगा। मतलब ताप तो बढ़ेगा लेकिन ताप बढ़ने की जो दर है वो गिरती चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? तो वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है क्रस्ट और अपर मेंटल है मेंटल, तो उसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की मात्रा ज़्यादा है, और जैसे जैसे कोर में जाते हैं वो रेडियो मटेरियल जो मटेरियल है वो ख़त्म होता चला जाता है। इसलिए जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते हैं ताप, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल जहाँ पर होगा जाहिर सी बात है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। और एक बात और है, जो भी अस्थिर क्षेत्र हैं पृथ्वी के वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नॉर्मली 40 किलोमीटर गहराई में क्या होता है कि टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो जहाँ भूकंप नहीं आते हैं, और जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ कभी करीब 40 किलोमीटर गहराई में टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आसपास प्लूम्स होते हैं, ज्वालामुखियाँ होती हैं, इसीलिए अस्थिरता होती है। तो ये हो गया टेक्निकली टेम्परेचर के द्वारा हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि अलग अलग पृथ्वी के अंदर क्या है। टेम्परेचर से ये पता चला है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल का संकेंद्रण है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में है क्रस्ट पे है, और जो डेंसिटी है वो अलग अलग चट्टाने हैं, चट्टाने एक जैसी नहीं है। ये हम लोगों ने आर्टिफिशियल सोर्सेस से जानने की कोशिश की। अब आता है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स मतलब प्राकृतिक सोर्स, वो सोर्स जो हमें प्रकृति मुहैया कराती है पृथ्वी के बारे में जानने का। तो जो नेचुरल सोर्स है उनमें आता है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन की बात की जाए, ज्वालामुखी उद्गार, कई बार क्या होता है ज्वालामुखी फटती है, नीचे से करीब 400-500 किलोमीटर की गहराई से लावा निकल के बाहर आता है, उसका अध्ययन करते हैं तो हम लोग पता लगा लेते हैं कि जब करीब 400 किलोमीटर के नीचे कौन सी चट्टाने हैं, किस प्रकार की मात्रा है, किस प्रकार का टेम्परेचर है। तो अगर अगर ज्वालामुखी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के कुछ ना कुछ ऐसा भाग जरूर है जो लिक्विड फॉर्म में है, ऐसा माना जाता है। तो इससे क्या हुआ कि एक ये मतलब निष्कर्ष निकल गया कि पृथ्वी की जो अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर करीब 100 से 200 किलोमीटर की एक ऐसी परत है जो लिक्विड फॉर्म में है। अगर लिक्विड नहीं है तो सेमी लिक्विड है या प्लास्टिक फॉर्म में है, जिसे हम लोग एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये कि करीब 100 से 400, 500, 700 किलोमीटर गहराई तक वो जो लिक्विड लेयर है मतलब सेमी लिक्विड लेयर है वहाँ पे, मतलब टेक्निकली वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है इतना प्रेशर पड़ रहा है ऊपर ही चट्टानों का कि वो लिक्विड फॉर्म में हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे उसे दरारें मिलती हैं वॉल्केनो के रूप में और इरप्शन होता है, तो जैसे वो ऊपर आती हैं तो उनका टेम्परेचर लगातार मतलब टेम्परेचर जाहिर सी बात 1100-1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो चट्टानें अपने गलनांक को पार कर जाती हैं जैसे जो प्रेशर है रिलीज़ होता है, और वॉल्केनो जब फटती हैं तो लावा लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वॉल्केनो से हम लोगों ने पता लगाया एक ऐसी लेयर जो करीब करीब लिक्विड फॉर्म में है, जो अर्ध लिक्विड बोल सकते हैं, अर्ध तरली है, या सेमी लिक्विड या प्लास्टिक फॉर्म में, तो वॉल्केनो द्वारा एस्थेनोस्फीयर का हम लोगों ने पता लगाया। इसके अलावा सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। भूकंप एक ऐसा विज्ञान है जो जाहिर सी बात है पृथ्वी के नीचे भूकंप आता है, चट्टाने हिलती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं भूकंप का जो मूल होता है फोकस, फिर इसके बाद जहाँ पे सबसे पहले भूकंप हमें प्राप्त होता है पृथ्वी की क्रस्ट पर ऊपर, उसको सेंटर बोलते हैं। तो ये वहाँ से जब जब चट्टाने हिलती हैं, जब मूल में या फोकस में भूकंप आता है, तो चट्टाने हिलने के बाद वेव्स पैदा होती हैं, वो 3 टाइप की होती हैं PESL। तो उन वेव्स की स्टडी करके, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी पे घूमती हैं, तो उनकी स्टडी करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि पूरी पृथ्वी के अंदर कैसा कैसा मटेरियल है।
अब चूंकि सिस्मोलॉजी का जो चैप्टर है वो हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ेंगे उसमें जो जो हम लोग ज्योग्राफी में ज़रूरी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मान सकते हैं कि सिस्मोलॉजी से हम लोग पूरी पृथ्वी के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं और सफलता भी प्राप्त होती है। तो कुल मिला के ये हो गए आर्टिफिशियल और नेचुरल रिसोर्सेज सोर्सेज जिनके द्वारा हम लोग पता लगाते हैं पृथ्वी कैसी है। अब आता है एविडेंस एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब क्या है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति से जो विचारधाराएं हाइपोथेसिस हैं जो थ्योरीज हैं उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। जो प्लानेटेसिमल जो हाइपोथेसिस थी चैम्बरलिन की, उसके अनुसार पृथ्वी ठोस ग्रहणुओं से बनी है, यानी कि पृथ्वी का जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। ये प्लानेटेसियल हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है। जो टाइडल है हाइपोथेसिस है जेम्स जेन्स की, जो उनको हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से ये है कि पृथ्वी ज्वार ज्वार से बनी है सूरज के, अतः पृथ्वी का अंदर आंतरिक भाग जो है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ये टाइडल हाइपोथेसिस बोलती है। और जो गैसीय है जो नेबुलर हाइपोथेसिस है लाप्लास की 1897-96 वाली, उसके हिसाब से पृथ्वी जो है मतलब नेबुला से बनी है, तो जाहिर सी बात है आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। ये बात तो श्योर है कि पृथ्वी लिक्विड में होगी या फिर सॉलिड में, लेकिन गैस में होना पॉसिबल नहीं है। तो ये हाइपोथेसिस है, इनको आप जाके पढ़ सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक भूगोल की शुरुआती इन हाइपोथेसिस को पढ़ने से होती है सोलर सिस्टम बनने के, तो ये इससे जो है थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि पृथ्वी किस फॉर्म में रही होगी। ये हो गए इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस। अगर हम लोग आगे बात करें तो पृथ्वी अगर एक एक ये एक प्रकार की डेमो तस्वीर है, एक जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं, मतलब ये आपको आइडिया देने के लिए तस्वीर ये इसको ऐड किया गया है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा दिखता होगा। जो पृथ्वी है ये अपनी पृथ्वी है, उसको बीच से काट दिया गया। जो ऊपरी परत है, जो सबसे ऊपरी परत है, ये इस कॉर्नर वाली ये ऊपरी परत है, इसको हम लोग क्रस्ट बोल लेंगे या सीमा बोलेंगे या सियाल बोलेंगे या लिथोस्फियर बोलेंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे हम लोग अंदर बढ़ते हैं टेम्परेचर लगातार रेडनेस आती चली जाती है। ऊपर क्रस्ट की जो लेयर है पतली सी लेयर दिख रही है आपको, फिर ये एक लेयर बदल जाती है और ये करीब करीब एक मोटी लेयर आ जाती है जिसे हम लोग मेंटल बोलते हैं या सीमा बोलते हैं। फिर धीरे धीरे अंदर जाते हैं ये आउटर कोर हो जाता है ये वाली परत, और ये जो रेड भाग है इसे हम लोग कोर बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला एरिया है। तो ये टेक्निकली पिक है पिक्चर है समझाने के लिए आपको कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी लगती होगी। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लेयर। पृथ्वी में हम लोग ये जान लिया कि पृथ्वी अलग अलग परतों से बनी है, तब क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी परतें हैं। तो क्लासिफिकेशन तीन टाइप का है, प्राइमरी का प्राइमरली क्लासिफिकेशन जो स्वेज ने दिया था, स्वेडिस एक जियोलॉजिस्ट थे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान के आधार पर, और जो तीसरा मॉडर्न मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो हम लोग अलग स्लाइड में आराम से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन उसी से बनते हैं ज़्यादातर। तो अगर हम लोग प्राइमरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो स्वेज ने दिया करीब 18वीं शताब्दी के अंत में, तो वो जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने पृथ्वी को तीन परतों में डिवाइड कर माना। पहला सियाल परत है, सियाल परत है जो सियाल परत है वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका से बनी है और एल्युमिनियम से बनी है। तो ये जो है इसका जो घनत्व है वो जाहिर सी बात है कम है, क्योंकि एल्युमिनियम घनत्व तो कम होता है, और इसका जो घनत्व है जो डेंसिटी है 2.9 g/cm³ है। और इसकी जो मोटाई है परत की सियाल की वो करीब 50 से मतलब ऊपरी परत से लेके 50 से 300 किलोमीटर तक की गहरी है परत है। और सियाल की खासियत क्या है कि सियाल में एसिडिक चट्टान है, एसिडिक मतलब ग्रेनाइट जिनका पीएच 7 से कम हो, तो वो चट्टाने हैं सियाल, मतलब कि जो क्लासिफिकेशन है जो ऊपरी क्रस्ट का क्लासिफिकेशन है। सियाल मतलब पहली परत जो सबसे ऊपरी परत है, फिर आता है सीमा जो सियाल के नीचे की जो परत है पृथ्वी के, उसको बोलते हैं सीमा। इसका जो घनत्व वो लगा बढ़ जाता है करीब 4.7 g/cm³ हो जाता है, करीब 1000 से 2000 किलोमीटर तक की गहराई तक ये परत मिलती है। और इसकी खासियत ये है कि जो चट्टाने हैं खासकर तो वो बसाल्टिक हैं, बेसिक चट्टाने हैं, क्षारीय चट्टाने हैं जिनका पीएच 7 से ज़्यादा हो। अब आता है नीफे जो उसके नीचे की परत है जो 2000 से लेकर सेंटर तक करीब 6400 किलोमीटर की गहराई तक है नीफे, जिसका घनत्व तो करीब 11 g/cm³ है, और आयनिक चट्टाने हैं लौह युक्त चट्टाने हैं जिनमें फेरियम और निकल की अधिकता है जो कोर है अपना। तो ये तीन डिवाइड किया उन्होंने, क्रस्ट मेंटल कोर है सियाल सीमा निफे में डिवाइडेशन किया उन्होंने
सबसे पहले सुएस ने, जो डिवाइडेशन अभी तक भी सत्य है बिना किसी उन्होंने टूल के इतने बड़े मतलब ऑब्जर्वेशन को कर पाना और समझ पाना, एक हाइपोथेसिस दे पाना। असल में हाइपोथेसिस भी नहीं है, हाइपोथेसिस सच्चाई की थ्योरी है टेक्निकली। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि इसको उन्होंने उस समय दिया जब टेक्नोलॉजी की इतनी कमी थी दुनिया में। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी के आधार पर अगर हम लोग बात करें, आज मेरी पीठ में कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है तो बार बार कैमरा मूव कर रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ सेस्मोलॉजी की बात करें भूकंप विज्ञान के आधार पर, तो भूकंप विज्ञान के आधार पर तीन भागों में उन्होंने भी डिवाइड किया, क्या लिथोस्फियर, पायरोस्फियर और बायरोस्फियर। असल में लिथोस्फियर लाइक सियाल, पायरोस्फियर लाइक सीमा एंड बायरोस्फियर लाइक नीफे। टेक्निकली तीनों जो परत हैं उनके नाम बदल दिए गए, उनकी करीब करीब क्वालिटी सेम रही, बस क्या है कि मोटाई बदल दी। उन्होंने 50 से 300 किलोमीटर की गहराई बोली थी, इन्होंने करीब बोला 100 किलोमीटर की गहराई है, और जो घनत्व है डेंसिटी 3.5 g है, और जो पायरोस्फीयर है उसकी डेंसिटी 5.6 g है, करीब 2880 किलोमीटर गहराई पे है, और जो बायरोस्फीयर है वो करीब 8 से 11 g है, और जो उसकी मोटाई करीब केंद्र तक है 6400 किलोमीटर। ये माना गया क्लासिफिकेशन, दो टाइप की क्लासिफिकेशन है जो हम लोग बेसिक तरीके से समझने के लिए पढ़ते हैं। अब आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। टेक्निकली देखा जाए अगर हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन आता है। अब चूँकि क्या है कि जो सुएज थे उन्होंने बोला सियाल सीमा नीफे, ऐसे जो सिस्मोलॉजी है उसने बोला लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायरोस्फीयर। ऐसे ही जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो सेम टू सेम इसी जैसा है, बस नाम बदल जाते हैं। जैसे सियाल को बोल दिया गया या लिथोस्फीयर को बोल दिया गया क्रस्ट, पायरोस्फीयर या फिर सीमा को बोल दिया गया मेंटल, और जो कोर है उसको बोल दिया गया ये नीफे या पायरोस्फीयर, इनको बोल दिया गया कोर। तो टेक्निकली क्रस्ट मेंटल कोर है, यही मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। लेकिन जो उसका डिवाइडेशन है, अब क्रस्ट को भी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो क्रस्ट को असल में दो भागों में डिवाइड नहीं करते हैं, मेंटल को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें बोलते हैं अपर मेंटल लोअर मेंटल, और जो कोर होता है उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, आउटर कोर इनर कोर, ये दो भागों ये डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो अपर मेंटल होता है उसका जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्थोनोस्फीयर, जो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, जो हम लोगों ने ज्वालामुखी में समझने की कोशिश की थी। अब जो है इसका जो लेयर्स हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जो ग्राफ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ग्राफ। सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट है ना, क्रस्ट है, और देखो लेफ्ट साइड में डेंसिटी लिखा है और राइट साइड में लिखा है डेप्थ गहराई, और बीच में उनके नाम लिखे हैं, और ये टेम्परेचर लिखा है कि उस लेयर में क्या उसका टेम्परेचर रहता है हाईएस्ट। तो जो क्रस्ट है ऊपर की वो करीब करीब उसका कोई गहराई नहीं बोली गई है, लेकिन जो लिथोस्फीयर है जो ऊपरी परत है वो जो क्रस्ट है उसकी गहराई करीब करीब 35 किलोमीटर बोली गई है, और जो लिथोस्फीयर है मतलब कि ज़मीन और पर्वत जितनी ऊपर की हलचलें होती हैं, ऊपर की जो पूरी प्लेट है जो प्लेट टेक्टोनिक पड़ेंगे वो करीब 100 किलोमीटर मानी गई है। जो डेंसिटी है क्रस्ट की वो 2.7 g है, और जो इसके बाद 2.7 से 2.9 तक जी तक है, और जो लिथोस्फीयर की डेंसिटी है वो 2.9 से 3.3 g तक है, ओके, और गहराई है 100 किलोमीटर। फिर अपर मेंटल शुरू हो जाता है, अपर मेंटल करीब 100 से 700 किलोमीटर है, और जो इसकी डेंसिटी है 3.3 g से 4.3 g तक हो जाती है। फिर उसका टेम्परेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। फिर 700 से 2890 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो लोअर मेंटल है, टेम्परेचर 2760 डिग्री हो जाता है, और 4.3 g से बढ़ के जो है डेंसिटी 5.5 g तक हो जाती है। और इसके बाद ये डिसकॉन्टीन्यूटीज़ होने लगती हैं कि जहाँ पे लगातार डेंसिटी अचानक से बढ़ती है, जैसे 5.5 g था अचानक से 10 g हो गया, मतलब चट्टाने अचानक से बदल गई। तो ये जो अब इसको बोलते हैं आउटर कोर या आउटर एक्सटर्नल कोर बोल देते हैं, इसका टेम्परेचर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 2890 से 5150 किलोमीटर गहराई तक है। फिर इनर कोर जिसका टेम्परेचर करीब 6000 डिग्री है, और जो डिसकॉन्टीन्यूटी यहाँ हो जाती है टेम्परेचर बढ़ के डेंसिटी बढ़ के 12.3 से 13.3 हो जाती है। और फिर जो कोर है, कोर का जो सेंटर है उसके टेम्परेचर जो डेंसिटी हो 13.5 से 5 तक हो जाती है, और गहराई करीब 6371 किलोमीटर। अगर हम लोग इन लेयर को और डिटेल में जाएं तो ये इस प्रकार की लेयर निकल के आती हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसे हम लोग सियाल बोलते हैं, फिर इसके बाद आएगी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगी, इसके बाद ओशनिक क्रस्ट आ जाएगी जिसे सीमा बोलते हैं, अपर मोस्ट मेंटल
पार्शियली मोल्टेड एटमोसफियर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सेमी लिक्विड फॉर्म में, ये 100 से 200 किलोमीटर। फिर सॉलिड एस्टोनोस्फियर 200 400 किलोमीटर। फिर मेंटल ट्रांजिशन, जहाँ पे लोअर मेंटल और अपर मेंटल मिलते हैं, लोअर मेंटल आउटर मोल्टेड जो है कोर और इनर इनर सॉलिड कोर। अब इसमें एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अब सवाल आता है कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं तो लिक्विड फॉर्म में कुछ ना कुछ तो है। एस्टोनोस्फियर चलो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, इसके अलावा भी अगर हम लोग पृथ्वी के नीचे अंदर तक चलते चले जाएंगे तो करीब जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में आता है। जो कोर है उसे वो भी सेमी लिक्विड फॉर्म में आता है, क्योंकि चट्टाने इतना टेम्परेचर हो जाता है कि चट्टाने लिक्विड फॉर्म में आई जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि आउटर जो कोर होता है वो लिक्विड में होता है या इनर कोर होता है वो लिक्विड में होता है। तो आंसर है आउटर जो कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, कि जो आउटर कोर होता है वहाँ पर ऐसा प्रेशर होता है कि इस हद तक प्रेशर होता है कि उन चट्टानों में जो टेम्परेचर बढ़ा है वो उनका गलनांक इतना नहीं बढ़ पाता है कि वो सॉलिड फॉर्म में रह पाए। तो जो आउटर कोर होता है वहाँ पर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना इनर सॉलिड इनर कोर में होता है। इसलिए इनर कोर में टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद भी चट्टाने जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहती हैं, लेकिन जो आउटर कोर होता है उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है इनर कोर की तुलना में, लेकिन जो चट्टाने हैं वो मोल्ट हो जाती हैं, कुछ पिघली हुई होती हैं या सेमी लिक्विड फॉर्म में होती हैं, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो कोर से कुछ कम होता है क्योंकि कोर ज़्यादा अंदर होता है। तो ये आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जो है पृथ्वी की परत है जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो आउटर कोर है ना कि इनर। क्वेश्चन को इसका इसको भी आप याद रखिए। अगर इसके अलावा जो मेरा कुछ मिसिंग हो गया है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा अगर मुझे पता होगा तो। और इसके अलावा क्या है कि ये अपना हम लोग जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो गया, और जो इसकी जो स्लाइड्स हैं ये आपको मिल जाएंगी, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब आता है डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। अब आता है सवाल, आता है डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है। अगर हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें, डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब होता है असंबद्धता। मतलब पृथ्वी, जब पृथ्वी के नीचे लोग जाते हैं तो ये परतें मिलती हैं लिथोस्फियर मेंटल कोर, इस प्रकार की परतें मिलती हैं। तो जो परतें हैं डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि सपोज ये लोअर मेंटल है और ये एक्सटर्नल कोर है, अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेडियंट है ये क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी जो बदल रही है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी थी और अचानक से 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई। नॉर्मली अगर पृथ्वी के अंदर डेंसिटी बढ़ रही है तो एक सॉरी एक डायरेक्ट मतलब एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बढ़नी चाहिए, लेकिन ये डिस्क्रीट फॉर्म में बढ़ रही है, मतलब 5.5 से सीधा 10 हो गई। मतलब चट्टाने बदल गई, लोअर मेंटल में अलग चट्टाने हैं और आउटर कोर में अलग चट्टाने हैं, इसलिए क्या हुआ डेंसिटी बदल गई। जब डेंसिटी बदल गई तो जो सिस्मोग्राफिक सिस्मोलॉजी में जब लोग वेव पढ़ेंगे PSL तो वो भी जब मूवमेंट करेंगी तो उनमें भी जो है डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, मतलब उनकी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी से 10 ग्राम में जाओगे, दुगनी डेंसिटी में जाओगे तो जाहिर सी बात है उनकी गति बढ़ जाएगी। तो जो डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब सिर्फ यही है कि जो घनत्व है, मतलब जो घनत्व है वो अचानक से बढ़ रहा है या बदल रहा है, उसको ही हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी के अंदर इतनी सारी परतें हैं अलग अलग, जैसे कि क्रस्ट मेंटल कोर, अब क्रस्ट में अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट आउटर अपर मेंटल लोअर मेंटल एक्सटर्नल कोर इंटरनल कोर, इस प्रकार के 6 परतें हैं, तो जाहिर सी बात है 6 डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाएंगे। तो उन डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम जो हैं वो क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाते हैं, तो हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट डिसकॉन्टिन्यूटी जो क्रस्ट अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, मतलब 2.7 g/cm³ से मतलब बढ़ के डेंसिटी 2.9 g हो जाती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, तो उस डिसकॉन्टिन्यूटी को बोलते हैं कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। फिर आता है मेंटल, मेंटल में मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, जो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है, जो यहाँ पे होगी इस जगह, ये मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। अब आएगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीज में डिसकॉन्टिन्यूटी, उसको बोलते हैं रैपिडली डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर आएगा आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। उसके नीचे इनर कोर और आउटर कोर के बीच में ये डिसकॉन्टिन्यूटी बनेगी जिसे हम लोग बोलेंगे लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ऊपर
से शुरू करेंगे तो कॉनराड, फिर मोहो, फिर रैपिटी, फिर गुटेनबर्ग, फिर लेमन। नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो जाहिर सी बात है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में थी तो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। मतलब कि अगर क्रस्ट और मेंटल की बात की जाए तो मोहो और ओवी की डिसकॉन्टिन्यूटी, अगर हम लोग बात करेंगे आउटर कोर या फिर मेंटल और कोर के बीच में तो गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, अगर और स्पेसिफिक में जाएंगे तो लोअर मेंटल और आउटर कोर हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप इन्हें नोट कर लीजिए, तो आपके आप इसे भूलेंगे नहीं और इसकी तैयारी तो होती रहेगी। फिलहाल जो है जो टॉपिक था ये हम लोग समाप्त कर चुके हैं, और इसके अलावा जो क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखिए। बाकी अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, इस बार कैमरा बहुत हिला है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जब शुरू करते हैं तब फिर से एक नया वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।